यार हमारे रही अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल अमीन है, क्या आप सब खरीदे से होंगे? तो आज का ब्लॉग करते हैं शुरू जी। आज हम नारंगी आलू बैंगन के पकौड़े, आलू और बैंगन को मैंने काट लिया, हरी मिर्चें सब इसमें डाल दी हैं। इधर हम बना रहे हैं जी शरबत ताकत वाला, देखिए तो लंगा इमली है। इसमें बना रहे हैं जी दही पल्लियाँ, और इधर सब्जी हमारी पड़ी हुई है, देखें ये चेक करें। इस टाइम किचन में बहुत रश होता है, जल्दी होती है ना इस टाइम, ये चेक करें हमारा हाल। इधर ये साबूदाना हमारा पक रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल अमीर है, कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने लगे बहुत ताकत का ख़जाना, बहुत मज़ेदार शरबत बनाने लगे हैं। वो है जी ये है दूध, इसमें मैंने कस्टर्ड को एक चम्मच डाला है, और ये है जी तोखम लंगा, और ये साबूदाना को मैंने उबाल लिया है, ये वाला कप था। इधर मैंने दूध को उबालने के लिए रख दिया है, जब दूध उबलने लगेगा तो इसमें ये कस्टर्ड डाल देंगे। माशाल्लाह ये देखिए दूध हमारा उबल चुका है, अभी इसमें कस्टर्ड पाउडर, डालते हैं साथ ही हम एक कप चीनी डाल देते हैं। अब माशाल्लाह देख कर हमारा दूध अच्छी तरह पक चुका है, और कस्टर्ड भी हमारा अच्छी तरह पक चुका है। ये बहुत मज़े की रेसिपी होने वाली है, बहुत ताकत वाली शरबत है, ऐसे बना के पीना है। अब इसमें बाकी इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, बाकी चीज़ इसमें बाद में डालेंगे। माशाल्लाह ये देखिए जी हमारा बेसन भी आ गया, सारी चीज़ें हमने इसमें मसाले डाल दी, इसको मिक्स करने लगे हैं। थोड़ा सा पानी डालते हैं। ये हमारे आलू बैंगन वाले पकौड़े मसाला रेडी हो चुका है, आए आप इसमें डाल। ऑयल पहले गर्म होने के लिए रख दिया था, और बताएं आप लोगों के कैसे रोज़े जा रहे हैं, हमारे तो बहुत अच्छे जा रहे हैं। ये वाले पकौड़े बना के खाएं लाजमी। माशाल्लाह ये देखें जी हमारे आलू बैंगन के पकौड़े रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह ये चेक करें जी हमारे ये माशाल्लाह चेक करें, गर्मा गर्म आलू बैंगन के पकौड़े रेडी हो गए हैं, साथ अफ्तारी का टाइम भी हो गया। तो आपने अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कल एक और रेसिपी के साथ, तब तक अपनी दुआओं में हमें भी याद रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह देखें जी हमारे कस्टर्ड वाला दूध ठंडा हो चुका है, अब इसमें डालते हैं साबूदाना। निकल जा, डाल दिए तो खुल लंगा। ये बहुत मज़ेदार और ताकत वाला है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा जी अब इसमें डालते हैं जी बर्फ़ डाल दी इसमें,
देखिए इसको मज़ेदार बनाने के लिए, ये है जी हमारा रूह अफ़ज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये देखिए जी हमारा कस्टर्ड वाला शरबत दूध वाला रेडी हो चुका है। कुछ ये भी है और कुछ ये भी। अब हमारी अफ्तारी हो रही है, अफ्तारी का बच्चे अफ्तारी कर रहे हैं। पापा अंदर बैठ के जाके अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कल एक और रेसिपी के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।